मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बस के पुल से गिर जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। प्रशासन की ओर से बचाव और राहत कार्य जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्तीय स्थिरता को मजबूती देने और वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए नियामकों को कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक में कल होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार कार्य समाप्त हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कर्नाटक में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केरल स्टोरी का विरोध करने वालों की आलोचना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के 20 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सहरसा में कल अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने रेड क्रॉस का आपदा काल में योगदान की सराहना की। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है कि सड़कों पर 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। मानसून के आगमन को देखते हुए अधिकारी ने नालों की